the book instructions carry road Bhatuvasi opposite ranger office pichle 7-8 saal se aaj andaman mein ek bada naam hai jo real estate aur construction ki duniya mein kafi mashhoor hai andaman and nikobar ke kai dweepon mein nabu construction se zameen ki len den ki hai isme khaas baat yah hai ki nabu construction se agar aap zameen lete hain to puri kanuni prakriya karne ki zimmedari nabu construction leti hai public feedback bhi excellent hai kyunki nabu construction apne commitment par hamesha khari utri hai na sirf truck itachi ya pickups balki nabu construction ke apne mazdoor architect engineer mission mistri bhi hai jo kahe samay par aapke orders ko pura karti hai ek ek zameen ko pure legal document ke sath grahak ko di hai जिस वजह से आज तक नबो कंस्ट्रक्शंस पर कभी उंगली नहीं उठी जब पूरा देश कोरोना की चपेट में बंद पड़ा था नबो कंस्ट्रक्शन के हर एक स्टाफ को पूरी सैलरी में रखा गया वे बेरोजगार नहीं हुए अंडमान की लोकल कंपनी होना भी एक वजह है कि जनता आग बंद करके भरोसा करती है किसी भी किस्म के फ्रॉड होने से नबो कंस्ट्रक्शन से जमीन लेना देना या कंस्ट्रक्शन का काम करना यानी आपकी पैसे की सुरक्षा की पूरी गारंटी याद रखिए रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन वर्क्स के लिए नबो कंस्ट्रक्शन कैरी रोड बागवस्ती अपोजिट रेंजर ऑफिस अरुण फर्टिलिटी एंड IVF सेंटर स्वास्थ्य को लेकर आज इंसान सबसे ज्यादा परेशान है महिलाओं की गायनिक समस्याओं का संपूर्ण समाधान के लिए अरुण फर्टिलिटी एंड IVF सेंटर अब आपको प्रेगनेंसी प्लानिंग से लेकर डिलीवरी तक के सभी जरूरी जानकारी व किसी भी प्रकार के इलाज व दवाइयों के लिए अरुण फर्टिलिटी एंड IVF सेंटर अब आपको लाखों रुपए खर्च कर मेनलैंड जाने की भी ज़रूरत नहीं तमाम गायनिक सॉल्यूशंस के लिए 11 चरमा हॉस्पिटल के पास है अरुण फर्टिलिटी एंड IVF सेंटर एक से एक आधुनिक उपकरणों और पूरी सुरक्षा के साथ आपके प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर्स व साइंटिस्ट से कंसल्ट करें सभी सुविधाओं से लैस अरुण फर्टिलिटी एंड IVF सेंटर नमस्कार मैं समीरा बानू न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूं। हमारे द्वीप समूह के एकमात्र सांसद श्री कुलदीप राय शर्मा हमारी हर समस्याओं को सुनते आए हैं और उन समस्याओं का उचित समाधान भी करते आए हैं इस बार उन्होंने एक ऐसी समस्या को उजागर किया है जो प्रत्येक घर की समस्या है या फिर हम उन समस्याओं का सामना करते आ रहे हैं जिस प्रकार पानी और बिजली के बिना हमारा जीना मुश्किल है ठीक वैसा ही एक समस्या है LPG गैसों का पुराने समय के चूल्हों से दूर आज हर कोई LPG गैसों पर निर्भर है इसके बिना रसोई में आग तक नहीं जलेगी इनका समय पर ना पहुंचना आम जनता को और अधिक संकट में डालता है महीना में दो बार सिलेंडर देना होगा डिस्ट्रीब्यूटर का मनमानी नहीं चलेगा इनका उजाला में गाड़ी देना होगा इनका उजाला में सिलेंडर देना होगा डिस्ट्रीब्यूटर को परेशानी बंद पब्लिक को परेशानी बंद करो बंद करो डिस्ट्रीब्यूटर का मनमानी नहीं चलेगा डिस्ट्रीब्यूटर का मनमानी नहीं चलेगा इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सांसद जी ने अपने पत्र में दर्शाया कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की वर्तमान स्थिति और भविष्य में LPG सिलेंडरों की मांगों को पूरा करने के लिए मायाबंदर में एक और LPG बॉटलिंग प्लांट स्थापित करना चाहिए ताकि बिना किसी परेशानी के सही समय पर हमारे द्वीप समूह के हर एक क्षेत्र में पर्याप्त गैस उपलब्ध हो सके 20 अप्रैल 2023 को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लोगों के लिए दक्षिण अंडमान क्षेत्र में एक LPG बॉटलिंग प्लांट स्थापित किया गया पिछले 19 वर्षों से सभी द्वीपों पर उसी LPG बॉटलिंग प्लांट के माध्यम से ही LPG सिलेंडरों की आपूर्ति की जा रही है मात्र एक ही LPG बॉटलिंग प्लांट पर निर्भर रहना वर्तमान समय में तथा आने वाले समयों में भी एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न कर सकती है तो मैं बता दूं आपके माध्यम से मैं सूचित करना चाहूंगा एडमिनिस्ट्रेशन से रात 1 बजे 2 बजे अरे माता है महिला है रोड पे सोना पड़ता है सिलेंडर लेने जा रहा है तो 3,000-4,000 रुपया पड़ रहा है क्योंकि हम लोग ये सफर सालों से करते आ रहे हैं आज ये डिस्ट्रीब्यूटर करीबन 15 साल से ज्यादा इस क्षेत्र में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है ना ही कभी शेड्यूल निकालता था और ना ही कभी इंटरनल विलेज रोड में जाता था जब हमने ये PRI नया PRI आने के बाद
दो साल पहले से हम इस बात को दोहराते आए, लेकिन कभी भी हमें कमिटमेंट नहीं मिला। बीच में एक दो महीने का शेड्यूल निकला, एक दो महीने कुछ कुछ रोड में गए, उसके बाद दोबारा जैसे थे वैसे हो गए। आज रात को आज दो महीने, आज यहाँ पूछिए आप हर पीआरआई से, करीबन दो महीने बाद भी सिलेंडर पहुंच नहीं रही है, और पहुंच भी रही है तिरुपति का जैसा थोड़ा सा गंजा करके 20 सिलेंडर दे के भाग जा रहा है, फिर वो और कहीं पंचायत चला जा रहा है। जब ये धरना प्रदर्शन का बात आया, कल कैसे 4 सिलेंडर गाड़ी यहाँ पहुंच गया आप बताइए। आईएसवी वाली फोन नहीं उठाती है। मैं एडमिनिस्ट्रेशन के, सिविल सप्लाई के ऑफिसर, सेक्रेटरीज, डायरेक्टर सभी को इस बात का पता है कि यहाँ पे एलपीजी का कितने बड़ी समस्या चल रहा है। सांसद जी ने आगे अपने पत्र में लिखा कि यह हमारे द्वीपों के लिए दूसरे एलपीजी बॉटलिंग प्लांट की योजना बनाने का सही समय है, जिससे उत्तरी और मध्य अंडमान के मायाबंदर क्षेत्र में स्थापित किया जाना चाहिए। जहां एक और बढ़ती जनसंख्या, वहीं 2003 के बाद से पर्यटकों की संख्या में भी काफी वृद्धि हुई है, और इसी तरह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के अधिकांश क्षेत्रों, विशेषकर दक्षिण अंडमान क्षेत्र में होटल और रेस्तरां की संख्या में भी काफी वृद्धि हुई है। इससे हमारे एकमात्र एलपीजी बॉटलिंग प्लांट पर भारी दबाव बन गया है। इसे कुछ हद तक कम करने के लिए जरूरत है उत्तरी और मध्य अंडमान के मायाबंदर क्षेत्र में एलपीजी बॉटलिंग प्लांट का स्थापित करना, क्योंकि परिवहन प्रतिबंधों, NH4 की खराब स्थिति और मौसम की स्थिति को देखते हुए पोर्डर से उत्तर और मध्य अंडमान द्वीपों तक एलपीजी सिलेंडरों को पहुंचाना बहुत ही महंगा और कठिन हो गया है। एक बार मिडिल स्ट्रेट ब्रिज पूरा हो जाने पर उत्तरी और मध्य अंडमान में पर्यटन में और अधिक भारी भीड़ होगी, जो मौजूदा एलपीजी बॉटलिंग प्लांट पर और अधिक दबाव डालेगा। इसके लिए अति आवश्यक है कि मायाबंदर में एक एलपीजी बॉटलिंग प्लांट की स्थापना जल्द से जल्द हो। अगर आपको हमारा यह एपिसोड सूचनात्मक व ज्ञानवर्धक लगा हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ, कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलें। इसी के साथ मैं समीरा बानू आज की इस कड़ी से विराम लेती हूँ। नमस्कार।